टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट इंडियन एंड वेस्टर्न ऑथर्स हु हैव ट्रांसलेटेड द ऋग्वेदा, जो ऋग्वेदा का ट्रांसलेशन उन्होंने किया है, इंटरप्रेट किया है, कमेंट किया है ऋग्वेदा पर, और उसके कई अनेक रिजल्ट आए हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. बोथ इंडियन ऑथर्स एंड वेस्टर्न ऑथर्स have contributed significantly in translating, interpreting and commenting the subject of the Rigveda. तो Indian authors में कौन कौन सा है, कौन कौन से उसके book हैं, किसने किया है, ये आप हम detail से जानेंगे. Western author में Rigveda को किसने किसने translate किया है, interpret किया है, comment किया है, ये हम जानेंगे. यस्का एक इंडियन था. इन हिज बुक निरुक्ता एसर्ट्स द ऋग्वेदा इन एंशियंट ट्रेडिशन. यस्का जो है अपने बुक लिखा निरुक्ता, निरुक्ता में उसने ऋग्वेदा का एंशियंट ट्रेडिशन के बारे में बताया. एंड कैन इंटरप्रेटेड इन तीन तरह से उन्होंने ट्रांसलेट किया, इंटरप्रेट किया. फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियस राइट्स अधि यजना, फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द डायटीज अधि देवता, और फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द सॉल अध्यात्मन अध्यात्मन. तो तीन तरह से यस्का ने ट्रांसलेट किया और तीन तरह से इंटरप्रेट किया. एक तो रिलीजियस राइट्स के बारे में, अधि यजना उसको बोलते हैं, अधि यजना. दूसरा डीटीज के बारे में, क्या क्या उसको अधि देवता बोलते हैं, देवताओं के बारे में. और दूसरा आत्मा के बारे में उसको अध्यात्म बोलते हैं. द फोर्थ वे टू इंटरप्रेट द ऋग्वेदा ऑल्सो इमर्ज इन द एंशियंट टाइम व्हेन द गॉड्स मेंशन्ड वेयर व्यूड एज ए सिम्बोलिज्म फॉर लीजेंडरी इंडिविजुअल्स और नेटिव्स. इट वॉज generally accepted that creative poets from embed and express double meaning ellipses and novel ideas. ये आपको यस्का ने ट्रांसलेट किया था, निरुक्ता के नाम से बुक लिखा उसने, तीन तरह से उसने ट्रांसलेट किया, वो इसमें आपको बताया गया है. उसके बाद माधवाचार्य 13th सेंचुरी में, जो एक हिंदू फिलोसफर था, 40 हेमंस को ऋग्वेदा के बुक जो है ऋग भाष्यम, इसमें लिखा ऋग भाष्यम, ऋग भाष्यम ये लिखा उन्होंने. फिर सयाना ए संस्कृत स्कॉलर था ऑफ द 14th सेंचुरी, प्रोवाइडेड ए कंप्लीट टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदा इन हिज बुक ऋग्वेदा संहिता. ऋग्वेदा संहिता में लिखा, उसमें आपको ये वर्णन है. This book has been translated to English by the Max Muller, H.H. Wilson, है ना? दोनों जो है, जो English translation Max Muller ने किया है, H.H. Wilson ने किया है, ये उसने किया है. तो ये translation के बारे में आज हम लोग study करेंगे. Both Madhavacharya and Shankaracharya Sringeri Monastery में इसका अध्ययन किया. श्री अरविंदो ऑल्सो फाइंड द सनान्यास इंटरप्रेशन टू बी इज ए रिटुअलिस्टिक नेचर हैविंग ऑफ न इनकंसिस्टेंट इंटरप्रेशन ऑफ वैदिक टर्म्स ट्राइंग टू फिट मीनिंग ए नोरमोल. ही फाइंड्स दैट सनान्यास इंटरप्रेशन वेयर टू एक्सेप्टेड टू ब्रीफ दैट ऋग्वेदा टू बी ए अनक्वेश्चनिंग ट्रेडिशन ऑफ फेथ स्टार्टिंग फ्रॉम ए ओरिजिनल एरर. श्री अरविंदो ने भी पाया कि सयाना का जो इंटरप्रेशन है वो रिचुअलिस्टिक नेचर का है और इनकंसिस्टेंट वैदिक टर्म में वो आपको बताता है. लेटर माधवाचार्य 13th सेंचुरी में 40 हेमंस का ऋग्वेदा का बुक का ऋग भाष्यम ये उन्होंने लिखा. तो ये आपके हिंदू फिलोसफर के बारे में आप वो बताते हैं कि हिंदू फिलोसफर ने कैसे जो है ट्रांसलेशन किया ऋग्वेदा का. ये आप देखिए यहां पर टेबल बना हुआ है,
कब ट्रांसलेट हुआ, किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ, नोट्स दिया हुआ है, टाइटल दिया हुआ है, कमेंट्री दी हुई है, ट्रांसलेशन किसने किया, ये सारा ऋग्वेदा का ट्रांसलेशन आपको यहां पर आपको दिखाता है किसने किसने किया। ये इंडियन ऑथर के बारे में आपको बताता है, इंडियन ऑथर के बारे में, सभी के बारे में आपको बताता है कि किसने किसने ट्रांसलेशन किया, है ना। निरुक्ता, यस्का ने इसका ट्रांसलेशन किया 9 बीसी में और संस्कृत लैंग्वेज में, है ना। इसमें इंटरप्रेटेशन ऑफ द की थीम्स ऑफ द ऋग्वेदा उन्होंने किया, यस्का ने। टाइटल बुक का क्या था, निरुक्ता 9 बीसी में किया, संस्कृत लैंग्वेज में किया। फिर उसके बाद माधवाचार्य ऋग भाष्यम नामक बुक को लिखा 1285 ईस्वी में, संस्कृत में करा, और इसमें कमेंट्री 40 हेमंस ऑफ द ऋग्वेदा इसने दिया। जो ओरिजिनल बुक जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, प्रोफेसर K2 पाडुरंगी इन्होंने किया था। तो उसके बाद सायाना ने ऋग्वेदा संहिता लिखा 1360 में, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा। संस्कृत स्कॉलर ने वेदा के ये ऋग्वेदा संहिता लिखा, और इसी बुक को मैक्स मुलर ने 1856 में, H.H. विल्सन ने 1856 में ट्रांसलेट किया। तो काफी ऑथर हैं, इंडियन ऑथर हैं, जिन्होंने अपने ढंग से ऋग्वेदा को ट्रांसफर किया और लोगों तक पहुंचाया। अभी कई रूप में आपको ऋग्वेदा आपको मिल रहा है। ऋग्वेदा भाष्यम दयानंद सरस्वती ने इसका ट्रांसलेट किया, दयानंद सरस्वती ने ट्रांसलेट किया 1870 और 89 के बीच में, उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया, और इसकी ट्रांसलेशन इनकम्प्लीट है। लेटर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया दयानंद सरस्वती ने। श्री अरविंदो द सेक्रेट ऑफ वेदा उन्होंने लिखा, बुक लिखा द सेक्रेट ऑफ वेदा श्री अरविंदो ने 1914 से 1916 के बीच में, उसने ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया। इसमें कमेंट्री दी हुई है, जनरल इंटरप्रेशन गाइडलाइंस पार्शियल ट्रांसलेशन आपको दिया हुआ है श्री अरविंदो के बुक द सेक्रेट ऑफ वेदा में, तो अरविंदो ने किया। फिर हरी दामोदर वेलानकर ने किया सीरीज ऑफ आर्टिकल्स इन द जर्नल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, इन्होंने निकाला सीरीज ऑफ आर्टिकल्स निकाला यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे के जर्नल में, कई सीरीज निकाले इन्होंने आर्टिकल के, वेलांकर ने, हरी दामोदर वेलांकर ने। इसने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, पार्शियल ट्रांसलेशन किया इन्होंने, है ना। मंडला 2578 को इन्होंने ट्रांसलेट किया, पार्शियली ट्रांसलेट किया। फिर श्री अरविंदो ऋग्वेदा हायम्स 1946 में किया, इंग्लिश में किया इन्होंने, पार्शियली ट्रांसलेशन पब्लिश बाय N.K. गुप्ता पांडिचेरी, ये उन्होंने ट्रांसलेशन किया। फिर पंडित H.P. वेंकटा राव, लक्ष्मण आचार्य एंड कपूल ऑफ अदर पंडित्स ऋग्वेदा संहिता लिखा उन्होंने 1947 में, ये कन्नड़ में उन्होंने किया ट्रांसफर, कन्नड़ लैंग्वेज में उन्होंने ट्रांसफर किया। सर सोर्सेस फ्रॉम सनाना भाष्य, ये उन्होंने कन्नड़ में लिखा। द कन्नड़ ट्रांसलेशन वर्क वाज कमीशन्ड बाय द महाराजा ऑफ मैसूर जयचम्मा राजेंद्रा उडियर, महाराजा ऑफ मैसूर के दरबार में आपको पंडित H.P. वेंकटा राव ने कन्नड़ में ट्रांसलेशन किया। फिर ऋग्वेदा का राम गोविंद त्रिवेदी, वो हिंदी में ट्रांसलेट किया भाई, हिंदी में 1954 ईस्वी में, हिंदी में राम गोविंद त्रिवेदी ने ट्रांसफर किया ऋग्वेदा नाम से। फिर श्री राम शर्मा 1950 में हिंदी में ट्रांसलेशन किया ऋग्वेद संहिता, उन्होंने ऋग्वेद संहिता लिखा श्री राम शर्मा जी ने, वो हिंदी में ट्रांसलेशन किया। फिर नाग शरण सिंह
ऋग्वेद परिचर्या लिखा 1977 में, वो इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेशन मिला हुआ है उसका। ये विल्सन का ट्रांसलेशन है ये। एन एम आर जंबुराथन ने तमिल में ट्रांसफर किया ऋग्वेद 2 वॉल्यूम्स में। और विवेक डोयरी दीपावली ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया 1992 में द ऋग्वेद। तो ये पार्शियल ट्रांसलेशन है, पार्ट ऑफ ग्रेट इपिक्स ऑफ इंडिया, ये आपको दिया गया है। पंडित सत्याकलम विद्यांकर द होली वेदाज 1983 में, वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। श्याम घोष ऋग्वेदा फॉर द लेमन, ये उन्होंने ट्रांसफर किया 202 में इंग्लिश में, पार्शियल ट्रांसलेशन किया। गोविंद चंद्र पांडे ऋग्वेद लिखा हिंदी में 2008 में, पार्शियल ट्रांसलेशन है। तुलसीराम द हेमंस ऑफ ऋग्वेदा 2013 में इंग्लिश में लिखा, पब्लिश्ड बाय द विजय कुमार गोविंदपुरम हसनाबाद दिल्ली में, दिल्ली से इन्होंने निकलवाया। ये सारे बुक जो है, ये सारे ऑथर ऋग्वेदा का ट्रांसलेशन किया। तो आप समझ सकते हैं ऋग्वेदा का महत्व ज्यादा है, इसके सभी के ट्रांसलेशन इंटरप्रेशन और कमेंट्री आपको इंडियन ऑथर के द्वारा किसने किसने करा, ये सारा आपको दिया हुआ है कि ऋग्वेदा का इन्होंने कई मंडल जो आपको विलुप्त हो गए थे, जो अवेलेबल थे, सभी का ट्रांसलेशन उन्हें संस्कृत से हटा करके हिंदी में, इंग्लिश में, कन्नड़ में, है ना, किया, जिससे कि लोगों को उसके बारे में पता चल सके कि ऋग्वेदा में क्या दिया हुआ है, इसका ट्रांसलेशन जो है उसका किया। वेस्टर्न ऑथर में ऋग्वेदा यूरोपियन लैंग्वेज इनटू लैटिन, लैटिन में पहले हुआ था, बाय द फ्रेंडिश अगस्त रोजन ने इसका ट्रांसलेशन किया है ना। प्रेडिट मूलर फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द 19 इयर्स पहले, ये आपको किया गया था। कोरेल ब्रुक ने इसका ट्रांसलेशन किया। एच एच विल्सन वॉज द फर्स्ट टू मेक ए ट्रांसलेशन ऑफ ऋग्वेदा इन टू इंग्लिश, पब्लिश्ड 6 वॉल्यूम ड्यूरिंग द पीरियड 1850 से 1888। एच एस विल्सन ने ऋग्वेदा को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया और 6 वॉल्यूम निकाला उसने 1850 से 1888 के बीच में, ये उसने निकाला। विल्सन्स वर्सन वाज बेस्ड ऑन द कंटेम्प्री ऑफ सियाना। मिलर पब्लिश द मोस्ट स्टडी एडिशन ऑफ ऋग्वेदा संहिता इन 6 वॉल्यूम में उसने निकाला। इट हैज एन इंग्लिश प्रीफेस, तो ये उसने दिया हुआ है। कार फेडरिक ग्लेंडर कंप्यूटर द अर्लियस्ट स्क्रोल ट्रांसलेशन ऑफ ऋग्वेदा इन टू जर्मन, दिस वॉज पब्लिश्ड इन 1951, ये उसमें आपको निकाला। और ग्रीक फिलोजी वॉज आउटडेटेड इन 19th सेंचुरी एंड क्वेश्चन्ड बाय द स्कॉलर एच डी विलांकर, ट्रांसलेशन ये उन्होंने किया है। तो इंग्लिश में जो जो ट्रांसफर किए हैं वो आपको, ये आपको दिखा हुआ है ऋग्वेदिक स्पेसिमेन। फ्रेडरिक अगस्त रोजन ने 1830 में लैटिन में सबसे पहला ट्रांसलेशन आपको हुआ, ये आपको पहला ट्रांसलेशन लैटिन में, पार्शियल ट्रांसलेशन ऑफ द ह्यूमंस, ये बेस्ड ऑन द, ये आपको किया गया। ऋग्वेदा का अदर डाय हेलियन लिल्डन बाय मैक्स मुलर 1856 में, इसको जर्मन में ट्रांसलेट किया गया, जर्मन में उन्होंने ट्रांसलेट किया। एच एच विल्सन इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। सर, हाँ बोलिए सर, ऋग्वेदा इंडिया में कब लिखा गया था? वो तो मैंने आपको डेटिंग बताई थी पहले, आपको 1200 BC आपको मैं बता दे रहा हूं आपको, ये रहा पीरियड 1500 से 1200 BC पहले, ईसा ईस्वी से पहले, आपको वैदिक संस्कृत में और हिंदुइज्म में, रिलीजन में
दस मंडल है उसमें और इतने मंत्र हैं, दस मंडल हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है कि ऋग्वेदा में कितने मंडल थे, कितने मंत्र थे। ये आपको वैदिक साहित्य का आईएएस वगैरह भी, सिविल सर्विसेज वगैरह भी क्वेश्चन आता है वैदिक साहित्य से। तो ये आपको बताया गया है कि यहाँ पर आपको पंजाब में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यहाँ इस बीच ईस्वी में लिखा गया, पंजाब में लिखा गया था ऋग्वेदा को, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। okay, sir. पंजाब okay, में 1500 okay. से ये अप्रोक्सीमेट ईस्वी आपको बता रहा है, इस बीच में आपको ऋग्वेदा को लिखा गया था, है ना। तो यस सर, इसकी एक मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पे देवनागरी में, वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो मैं आपको बता रहा था, ये सारे इंडियन ट्रांसलेटर हैं, इंडियन ट्रांसलेशन उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेज में किया, इससे लोगों को जानकारी हो सका। वेस्टर्न ऑथर भी इसके पीछे पड़े, और इसका जर्मन में मैक्स मुलर ने किया, विल्सन ने इंग्लिश में पहला ट्रांसलेशन किया, H.H. विल्सन, वो ट्रांसलेटेड इन द इंग्लिश, 6 वॉल्यूम को पब्लिश किया। ए लॉन्गिस ने फ्रेंच में ट्रांसलेशन किया, 5 लेयर ट्रांसलेशन ऋग्वेदा का 1870 ईस्वी में। 1876 में जर्मन में अल्फ्रेड लुडविंग ने ट्रांसलेशन किया, हेरमन ग्रेसमैन ने 1876 में जर्मन में ट्रांसलेट किया, टी ग्रिप ने 1889 से 1882 के बीच में इंग्लिश में ट्रांसमिट किया, है ना, जिसको कि रिवाइज जेएल शास्त्री ने किया। ये सारे कार्ल फ्रेडरिक ग्लैंडर, डियर ऋग्वेदा इन अश्वलाहा, इन्होंने ये किया 1907 में, ये जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसफर किया है। तो काफी वेस्टर्न लैंग्वेज में हैमन फ्रॉम द ऋग्वेदा, इंग्लिश में इसका ट्रांसमिशन ए मैकडोनल्ड ने किया, है ना, पब्लिश्ड बाय द कैरलडन प्रेस ऑक्सफोर्ड, वहां पर भी किया इसने। तो लुइस रेनोन ने 56 में फ्रेंच में इसका ट्रांसलेशन किया, फ्रेंच में। जापानीज में भी आपको मिलता है, नोशिरो तुसी ने 1970 में इसका ट्रांसलेशन किया, हेमंस फ्रॉम द ऋग्वेदा, ऋग्वेदा के मंत्र, हेमंस फ्रॉम द ऋग्वेदा। रशियन में भी इसको ट्रांसलेशन किया 1972 में। सर, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए सर, रोल नंबर 2 की अटेंडेंस लगा दो सर, मेरा फोन एकदम स्विच ऑफ होने वाला है। अच्छा अच्छा, मैं सबका अटेंडेंस बोल ही देता हूँ आपको, रोल नंबर 2 अभिषेक दुबे जी, ठीक है। यस सर, अभिषेक दुबे जी, आकाश पवार जी 03, अंकित शर्मा जी 06, चंदन शाह जी 08, हिमांशु जी 17, जितेंद्र राणा जी 23, पवन नेगी जी 30, रामदत्त भट्ट जी 38, हिमांशु पुंडीर जी रोल नंबर 18, जैनेश चौहान जी रोल नंबर 22, कार्तिक जी रोल नंबर 24, कौशल जी रोल नंबर 25, नंदिनी गुज्जर जी रोल नंबर 29, शेखर जी रोल नंबर 41, बोलिए कितना रोल नंबर 19, रोल नंबर 19, हाँ हो तो गया, हृदय जी का हो तो गया, आपने बोला नहीं था सर। अच्छा, रोल नंबर 19 हृदय जी का वो हो गया। मैं फिर से आपको बता देता हूँ किस किस का अटेंडेंस आपको हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। 14 पार्टिसिपेंट्स हैं, शेखर जी 41, नंदिनी गुज्जर जी 29, कौशल जी 25, कार्तिक जी 24, जैनेश चौहान जी 22,
हिमांशु पुंडीर जी 18, रामदत्त भट्ट जी 38, पवन नेगी जी 30, जितेंद्र राणा जी 23, हृदेश जी 19, हिमांशु जी 17, चंदन शाह जी 8, अंकित शर्मा जी 6, आकाश पवार जी 3, ये सारे आपको पार्टिसिपेंट्स हैं। तो इसमें अभी हम लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आपको पूछता है कि किसने किस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया था। तो आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न के कई अलग लैंग्वेज में, रशियन में भी तात्याना इंजावुर्का ने ट्रांसलेशन किया है, ऋग्वेदा इजर्वे जिमी पार्शियल ट्रांसलेशन किया है, हंगरियन में भी लेजलो फोर्जिस ने इसको ट्रांसलेशन किया है, इंग्लिश में इसको ऋग्वेदा इंग्लिश में कई ऑथर ने इसको ट्रांसलेशन किया है 1881 में, 1986 में, 1992 में द ऋग्वेदा, है ना, H.H. विल्सन, रवि प्रकाश आर्य, K.L. जोशी, ऋग्वेदा संहिता 2001 में इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, जर्मन में 2007 ऋग्वेदा इसको ट्रांसलेशन किया है, है ना। तो ये आपका वेस्टर्न ऑथर है और वो आपका इंडियन ऑथर है, ये सारे इंडियन ऑथर हैं। ये आपको सिविल सर्विसेज में भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, वैदिक काल का वैदिक साहित्य से भी क्वेश्चन वहां भी रहते हैं और ऑब्जेक्टिव में ये आपको पूछा जाए कि भाई किसने ट्रांसलेशन किया था, पहले किसने किया, ये किसने किया, तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो देख रहे हैं कि इसका काफी ट्रांसलेशन हुआ है, वेस्टर्न ऑथर ने भी काफी इसको पसंद किया है, वेस्टर्न में भी काफी इसको पसंद किया गया है और हर एक वेस्टर्न के लैंग्वेज में, लैटिन में, जर्मन में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, जर्मन में, इंग्लिश में, जर्मन में, फ्रेंच में, जापानीज में, रशियन में, हंगरियन में, है ना, इंग्लिश में कई लोगों ने ट्रांसलेट किया है। तो ये उसका ट्रांसलेशन है जिसका डॉक्यूमेंट्री है, है ना। ये उसमें ऋग्वेदा में आता है ना। तो ज्यादा मैं आज खींचूंगा नहीं, मैं इसको यही आप ट्रांसलेशन का पढ़िए, ये टेबल दिया हुआ है। वेस्टर्न में जो आपको ट्रांसलेट किया है, आपको फर्स्ट पब्लिश्ड ट्रांसलेशन ऋग्वेदा लैटिन में हुआ है, यूरोपियन लैंग्वेज में लैटिन में हुआ है, फ्रेडरिक अगस्त रोजन ने किया है, प्रिंटिंग मिले फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन इन्होंने निकाला है, है ना, ऑफ टेक्स्ट ऑफ 19 इयर्स, रोजन वाज वर्किंग मैन्युस्क्रिप्ट बैक फ्रॉम इंडिया बाय कोलेब्रुक, H.S. विल्सन वाज द फर्स्ट टू मेक ए ट्रांसलेशन ऑफ ऋग्वेदा इनटू इंग्लिश, H.S. विल्सन, उन्होंने इंग्लिश में पहले ट्रांसलेशन किया, पब्लिश्ड इन द 6th वॉल्यूम में उसने ट्रांसलेशन किया था। विल्सन वर्सन वाज बेस्ड ऑन द कंटेंपरेरी ऑफ सयाना, मिलर पब्लिश्ड द मोस्ट स्टडीड एडिशन ऑफ द ऋग्वेदा संहिता, द ब्रीक बार्क ऑफ द मुलर प्रोड्यूस्ड हिज ट्रांसलेशन हेल्ड इन द भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना में सभी ऋग्वेदा के मंडल जो है वहां पे रखा हुआ है, वहां पर उसको बनाया गया है, वहां पर उसकी रखवाली हो रही है कई मंडल की। कार्ल फ्रेडरिक ग्लैंडर कंप्लीटेड अर्लियस्ट स्कूल ऑफ ट्रांजिशन ऋग्वेदा इन 1920 इन जर्मन, दिस वॉज पब्लिश्ड इन द 1951। लुइस रेन्यू कंप्लीटेड द फर्स्ट फ्रेंच ट्रांसलेशन, है ना, इल्जिया रोनोक्का कंप्लीटेड रशियन ट्रांसलेशन, इतने में ग्रिफिथ इंग्लिश ट्रांसलेशन कैम अर्लियर इन टू 1892, ग्रिफिथ फिलोसफी वाज आउटडेटेड इवन इन द 19th सेंचुरी, क्वेश्चन बाय द स्कॉलर, ट्रांसलेशन ऑफ स्वटर हैव बीन पब्लिश्ड बाय द बैंडी डोनिंगर इन 91, वाल्टर मोरर 96, अकॉर्डिंग टू जेंसन विद दिस अथॉरिटी वी आर टेंड टू क्रिएट ए
ऋग्वेदा. द ऋग्वेदा इज द अर्लिएस्ट द मोस्ट फेवरेबल ऑफ सिक्योर डिस्टेंट एंड डिफिकल्ट फॉर मॉडर्न्स टू अंडरस्टैंड. है ना, लिखा हुआ है डिफिकल्ट टू मॉडर्न्स. ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, है ना, अर्लिएस्ट लैंग्वेज है. हेंस इज ऑफन मिस इंटरप्रेटेड. इसको मिस इंटरप्रेट ज्यादा किया जाता है. ऑन विच टू हैंग एन आइडिया और ए थ्योरी. ये आपको कहता है कि ऋग्वेदा को समझना डिफिकल्ट है, है ना. ये सबसे अर्लिएस्ट लिटरेचर है और इसको मिस इंटरप्रेट जो है अक्सर किया जाता है, वर्स किया जाता है. तो ऋग्वेदा का लाइक ऑल ऋग्वेदा इज डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट इन टू मॉडर्न लैंग्वेज. मॉडर्न लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है. दे आर नो क्लोजली कंटेम्प्री स्टैंड टेक्स्ट. क्लोजली कंपोनेंट टेक्स्ट नहीं है विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट एन ईयरली ट्रांसलेशन कॉन्टेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईयर्स. एनदर इशू इज चॉइस ऑफ ट्रांसलेशन फॉर टेक्निकल टर्म्स सच एज ए मंडला कॉन्वेंशनली ट्रांसलेटेड बुक बट मोर लिटरली रेंडर्ड साइकिल. In 1994, Barrett A. Newton and Gary B. published the first attempt to restore Rigveda in its entry. Rahul 32, Chirag Saini 9. So, ye आपका ट्रांसलेशन है डिफरेंट ऑथर के द्वारा. है ना, तो किसने क्या ट्रांसलेट किया है याद करना भी डिफिकल्ट है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये हाईली स्टाइलिश पोलिटिकल वैदिक संस्कृत. ये हाईली स्टाइलिश कविता के रूप में वैदिक संस्कृत है. विथ प्राइस्ड एड्रेस टू द वैदिक गॉड्स एंड चिफेटियंस. जो वैदिक गॉड्स को वैदिक भगवानों को लिए उसमें आपको कविताएं लिखी हुई है. तो यही सिग्निफिकेंस है. Most hymns, according to Vijayal, were intended to be rectified at annual New Year Som ritual. Som ritual, है ना? ज़्यादातर जो उसके मंत्र जो लिखे हुए हैं annual New Year Som rituals में, the text also includes some non-ritual poetry, fragments of mythology, archaic formula and number of hymen with early philosophical speculation. Composed by the poets of different clans, including formed Vedic rishis, Vishwamitra and Vishthala. So, यही significance है इसका. ये mythology है, fragments of the mythology है, non-ritual poetry है, archaic formula है, a number of जो है mantra उसमें आपको लिखे गए हैं, है ना? Composed by the poets of the different clans, including formed Vedic rishis. विश्वमित्रा, वशिष्ठा, वशिष्ठा, ये सारे जो है डिफरेंट धर्मा में, हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा इस पे लिखा गया है, है ना. अकॉर्डिंग टू नंदकर्णी सेवरल हैमंस ऑफ ऋग्वेदा एम्बेडेड क्लेशियर वर्च्यूज एंड इथिकल स्टेटमेंट्स. ये दिया हुआ है, ये वर्सेस जो है ट्रूथफुल स्पीच, ट्रूथफुल एक्शन, सेल्फ डिसिप्लिन, आई राइटनेस के बारे में आपको बताता है. सिग्निफिकेंस ऑफ चैरिटी के बारे में बताता है. ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बताता है. नेमली सिंपली टू सीक इंदिरा. इसकी इंदिरा जो है
इंदिरा जो गॉड है बहुत जो है ऋग्वेदा में कई बार आया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको गॉड जो है वो इंदिरा है। पहले इंदिरा को ही सबसे सिंपल सीक टू इंदिरा, उसी के बारे में ज्यादा जो है आपको मंत्र लिखा गया है इंदिरा के बारे में। इंद्र के बारे में ज्यादा मंत्र इसमें आपको है हिंदू उपनिषद में, तो यही उसका सिग्निफिकेंस है। यही उसमें आपको बताया गया। ये तीन वॉल्यूम सीट में पब्लिश हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से 2014 में, जो ऋग्वेदा को निकाला गया है। तीन वॉल्यूम सेट बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से, फाउंडेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एंडाउमेंट फॉर द ह्यूमैनिटीज इन 2004, यहां से फंड दिया गया था। और ये तीन वॉल्यूम ऑफ सीट में 2014 में इंग्लिश में इसको पब्लिश किया गया। फोर वॉल्यूम सेट पब्लिश बाय पेरिमल, रिवाइज्ड एडिशन ऑफ विल्सन ट्रांसलेशन। पार्शियल ट्रांसलेशन किया गया है हंगेरियन में, रशियन में, जापानीज में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, जर्मन में। मैक्स मुलर, एच एच विल्सन जो पहला था उसने पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट किया वो एच एच विल्सन, और जर्मन में मैक्स मुलर ने, और फ्रेडरिक अगस्त रोजन ने लैटिन में पहले ट्रांसलेट किया 1830 में। भारत के अन्य भाषाओं में भी तमिल में, हिंदी में ऋग्वेद गोविंद चंद्रा पांडे इन्होंने ट्रांसफर किया। ये लोक भारती इलाहाबाद से पब्लिश किया गया है इसको, ऋग्वेदा को। हिंदी में दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद भाष्यम उन्होंने दयानंद सरस्वती जी ने किया। सयाना ने संस्कृत में किया ऋग्वेदा संहिता। निरुक्ता ने संस्कृत में किया यास्का। माधवाचार्य सबसे पहले निरुक्ता ही ट्रांसलेशन है जो कि यास्का ने किया 9 BC में संस्कृत में किया। इंडियन ऑथर्स में यास्का निरुक्ता में लिखा, ये आपको एंशियंट ट्रेडिशन के बारे में, और तीन तरह से उसको जो है इंटरप्रेट किया है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रिलीजियस राइट्स धार्मिक विचारों की तरह से, अधियजना फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डायटी देवताओं की तरफ से अधिदेवता, और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द सोल अध्यात्मना सोल की तरह से। द फोर्थ वे टू इंटरप्रेट द ऋग्वेदा ऑल्सो इमर्ज इन द एंशियंट टाइम्स वेयर इन द गॉड्स मेंशन्ड वेयर व्यूड एज ए सिंबोलिज्म फॉर लिगेंडरी इंडिविजुअलिज्म और नेटिव। इट वॉज जनरली एक्सेप्टेड दैट क्रिएटिव पोएट्स ऑफन इम्बेडेड एंड एक्सप्रेस डबल मीनिंग इलिप्सिस एंड नोवल आइडियाज टू इंस्पायर द रीडर। लेटर माधवाचार्य ए हिंदू फिलोसफर ऑफ द 13th सेंचुरी प्रोवाइडेड ए कॉन्टेम्पररी ऑफ द फर्स्ट 40 हेमंस ऑफ ऋग्वेदा इन हिज बुक ऋग्वेदा भाष्यम। माधवाचार्य ने किया ऋग्वेदा भाष्यम किया, 40 मंत्रों का उसमें 13th सेंचुरी में किया। सयाना ने संस्कृत में किया, कंप्यूटेस्ट ऑफ द ऋग्वेदा इन हिज बुक ऋग्वेदा संहिता में किया, है ना। इंग्लिश में मैक्स मुलर, एच एस विल्सन, श्रृंगेरी मोनेस्ट्री, श्रृंगेरी मोनेस्ट्री में माधवाचार्य और श्यानाचार्य ये दोनों स्टडी करके इसका ट्रांसलेशन किया है। श्री अरविंदो
सयानाज की जो इंटरप्रेशन थी उसी पे काम किया, वैदिक टर्मा नेहरू मोल्ड पे काम किया। ये आपको इंडियन ऑथर के सारे ट्रांसलेशन आपको बताए गए हैं, इसमें कमेंट किया गया है। अटेंडेंस ले लीजिए। अटेंडेंस किसका रह रहा है? मैं सबका बुआ फिर से बोल देता हूँ। आकाश पवार 89 जी। आकाश पवार जी 03। ना ना सर मेरी बता दो बस, वैसे तो बोल। हाँ सर ठीक है बस। हाँ और सबको बता दिया आपने। हाँ सबको बता दिया हूँ, इसलिए जो जो प्रेजेंट है उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसका मैं अटेंडेंस बना देता हूँ। ओके सर। ओके ओके। हाँ और ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट है ट्रांसलेशन, ये वैदिक लैंग्वेज में थोड़ा सा दिया हुआ है और इंग्लिश भी सही ढंग से जनरल इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसको मैं धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ जिससे कि समझ में आए, ज्यादा तेज भागने से भी, क्योंकि इंग्लिश भी जो है ना इसका अनक्लियर है, डिफिकल्ट लैंग्वेज में ये दिया हुआ है। ये लिख भी रहा है कि ये डिफिकल्ट फॉर द मॉडर्न्स है, डिफिकल्ट फॉर द मॉडर्न्स ये लिख भी रहा है। ऋग्वेदा इज डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट इन टू द मॉडर्न लैंग्वेज, ये लिख भी रहा है ये कि जो है ऋग्वेदा जो है मॉडर्न लैंग्वेज में ट्रांसफर करना, ट्रांसलेट करना डिफिकल्ट है। और नो क्लोजली इन द कॉन्टेम्पोरेरी टेक्स्ट इट विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। एंड यस सर अटेंडेंस। हाँ हो गई। कितना रोल नंबर है आपका? 24 कार्तिक। डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। हाँ हाँ हो गया हो गया। हाँ डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से कनेक्ट कर दिया है मैंने। हो गया आपका अटेंडेंस हो गया। ये सारे ऋग्वेदा के बताए गए हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन, जर्मन ट्रांसलेशन, लैटिन ट्रांसलेशन, फ्रेंच ट्रांसलेशन।